पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख से जायद मरीज थैलेसीमिया जैसी मोहलिक बीमारी का शिकार हैं और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन 6,000 बच्चे थैलेसीमिया के मरज के साथ पैदा होते हैं। थैलेसीमिया विरासत में मुंतकिल होने वाली बीमारी है जिसमें मरीज को जिंदा रहने के लिए हर माह बाकायदगी से इंतकाल खून की ज़रूरत रहती है जिसके अखराजात उठाना गरीब आवाम के लिए नामुमकिन है। पाकिस्तान में थैलेसीमिया के मरीजों की तादाद बतदरीज बढ़ रही है जिसकी सबसे बड़ी वजह तशखीस का फुकदान और लाइल्मी है। एक बच्चा आया जिसकी करीबन उम्र होगी 18 से 20 साल, तो ही सेड के अंकल आप दुआ करें मैं मर जाऊं। तो इट वाज सडनली अ शॉक फॉर मी। उसने कहा कि आप सोच नहीं सकते कि जिस तरीके से मेरे वालिद को मेरे लिए ब्लड इकट्ठा करना पड़ता है, कभी किसी की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, कभी किसी रिश्तेदार को कहना पड़ता है। तो उसकी बात सुनने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि एक थैलेसीमिया सेंटर यहाँ पर पायलट फेज़ में बनाया जाएगा कि जो भी ऐसे लोग, ऐसे पेशेंट्स जो थैलेसीमिया और उससे अलाइड ब्लड डिसऑर्डर में मुबतला हैं उनके लिए काम किया जाए, उनकी खिदमत की जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी और पाकिस्तान बैतुल माल के मैनेजिंग डायरेक्टर बैरिस्टर आबिद वही शेख की कोशिशों से कायम करदा मुल्क के पहले और जदीद सहूलियात से आरास्ता पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर में नादार बच्चों को इलाज की तमाम सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाती हैं। गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान बैतुल माल मुल्क भर के 1500 से ज़ायद थैलेसीमिया के मरीजों को इंतकाल खून और अद्वियात के साथ साथ तशखीस से इलाज तक की तमाम तर तिब्बी सहूलियात की मुफ्त फरामी को यकीनी बना चुका है। मुल्क में बसने वाले 28% थैलेसीमिया के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फरामी पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर की इम्तियाजी कामयाबी है। पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर में ज़ेर इलाज मरीजों में इंतकाल खून की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक ब्लड बैंक कायम किया गया है और पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर की मुतहर्रिक टीम मुख्तलिफ मकामात पर ब्लड कैंप भी लगाती है और पाकिस्तान बैतुल माल ने अवामुन नास में थैलेसीमिया के मरस की रोकथाम और खात्मे के हवाले से आगाही मुहिम और रजाकाराना तौर पर खून की बरवक्त और मुसलसल फरामी को यकीनी बनाने के लिए ब्लड कलेक्शन वैन सर्विस का आगाज भी कर दिया है। तबीयत खराब होती है, जब तबीयत खराब होती है फिर मैं फिर स्कूल नहीं जा सकती, खेल नहीं सकती। जैसे हम एक दिया होता है उसके अंदर अगर हम तेल नहीं डालेंगे वो नहीं जलता, ऐसे ही हमारे अंदर अगर हम ब्लड नहीं लगवाएंगे तो हम ऐसे बीमार हो जाएंगे, उठने के काबिल नहीं होंगे, बोलेंगे नहीं। जैसे तैसे होता है ब्लड लगवाते हैं, इसके अबू है बीमार है तो बड़ी मुश्किल होती है, हम अपने बच्ची का इलाज करते हैं। बाहर जहाँ से भी लगवाते थे, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, कभी हम वापस चले जाते थे वैसे ही बगैर लगाए। वैसे ऐसे मुश्किलात का सामना हुआ था, ये तो अल्लाह ने करम किया है कि यहाँ पे पाकिस्तान बैतुल माल वालों ने सेंटर की इफ्तिताह किया, हम आ गए जिस तरह भी था। यहाँ पे हमारे यूँ समझ लें कि 95% मसाइल बच्चे के हवाले से वो हल हो चुके हैं। तीसरे बच्चे की दफ़ा मेरी 2 पहले बेटियां थी, मैंने कहा अल्लाह ताला शायद बेटा दे दे, तो अगर मैंने CVS करवा लिया तो वो जाहिर सी बात है अगर मेजर हुआ तो मुझे फिर सारे कहेंगे कि तुम लोग इसको कर दो, तो फिर मैंने कहा नहीं मैं करवाती नहीं, CVS ही नहीं करवाती। अब मेरे बेटे और बेटी दोनों बहुत सख्त बीमार है, बहुत ज़्यादा, और मैं अब पछताती हूँ इस बात पर कि मैंने ऐसा क्यों किया। जो हमारी बच्चियों को, ये बच्ची को ब्लड देती हैं, इतना अरसा हो गया, मेरी बच्ची 16 साल की हो गई है और जी रही है, और उन लोगों की वजह से जी रही है, उन बच्चों की वजह से जी रही है जो ब्लड देती हैं। किसी भी थैलेसीमिया सेंटर को, ख्वाब वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चला रही हो या सरकारी सतह पर चल रहा हो, उसमें कंसिस्टेंसी तभी आ सकती है जब वहाँ पर कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई हो, और कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई के लिए आपको डिफरेंट कैंप्स ऑर्गेनाइज करने हैं, लोगों में ये एजुकेशन, लोगों में ये एक अवेयरनेस पैदा करनी है कि अगर आप खून का अतिया देंगे तो उसमें आपकी बॉडी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन आपके खून का अतिया किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। पाकिस्तान का हर बच्चा रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। थैलेसीमिया के मरस में मुबतला बच्चों को सिर्फ हमदर्दी नहीं बल्कि हमारे खून की ज़रूरत है। आपके खून का अतिया किसी की कीमती जान बचा सकता है।
میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ہمیں، مجھے اور باقی جو تھلیسیمیا پیشنٹ ہیں ان کو بلڈ دیں۔ میں پورا پاکستان کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں خون دے۔ انسانیت کی خدمت میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، خون کے زیادہ سے زیادہ عطیات دیجیے اور زندگیاں بانٹتے جائیے۔ تو کیا آپ مجھے زندہ رکھیں گے؟